तो मुकेश सहनी के राजद की सदस्यता ग्रहण करने की अटकलों के बीच जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुकेश सहनी जाति की दुकान चला रहे थे जबकि उन्हें अति पिछड़ा की राजनीति करनी चाहिए। तो वहीं महेश्वर हजारी के बेटे के कांग्रेस ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि किसका बेटा किधर जा रहा है, किसकी बेटी किधर जा रही है, पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने एवं भरी सभा में रोककर लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाने पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को बताना चाहिए कि पार्टी विलय करने से एक रात पहले आखिर लालू प्रसाद यादव ने उनके सामने कौन सी डील रखी थी। देखिए, आज से 3 महीने पहले मुकेश सहनी जो है हाथ में एक कमंडल लेकर गंगा जल लेते हुए फिर रहे थे और कह रहे थे कि जो निषाद समाज को आरक्षण देगा हम उसी के साथ जाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए जदयू के वरीय प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, लगातार कह रहे थे मुकेश सहनी कि जो भी हमें आरक्षण देगा हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन ना एनडीए ने बात सुनी ना इंडिया गठबंधन वालों ने बात सुनी। देखिए माननीय मुकेश सहनी जी अपना प्रयोग राजनीति में जिन मुद्दों के आधार पर कर रहे थे, भाई माननीय नीतीश कुमार जी तो रोल मॉडल उसके हैं। निषाद समुदाय को अगर राजनीति में हिस्सेदारी की बात होगी या उनके सामाजिक हिस्सेदारी का सवाल है, उस सवाल पर कहां कोई विमर्श की गुंजाइश है। लेकिन वो अपनी राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनना चाहते थे, लेकिन ये बिहार है, बिहार में तो अति पिछड़ा समुदाय सम्मिलित रूप से अपने आप को एकजुट मानता है, उसमें जातिगत विभेद और सामाजिक विभेद पैदा कर करके उस समूह की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। और यही कारण है कि तमाम वैसी ताकतें जो सामाजिक ताकतें थी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का विरोध करते थे, आज कैसा स्थिति बदला, सब लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जननायक को भारत रत्न देने की बात कही, मांग की और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको पूरा कर दिया। जो ताकतें उसमें विरोध करती थी वो ताली बजा रहा है, सब जय हो जय हो जय हो। ये समाज में परिवर्तन बिहार में हुआ है, इसलिए जाति की दुकान के बदौलत नहीं, अति पिछड़ा की राजनीतिक दुकान चलाइएगा, तब उसको सशक्त करिएगा, तब राजनीति का एजेंडा तय। मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी, उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब देखिए, किसका बेटा शामिल हुआ है, किसकी बेटी शामिल हुई है, ये तो वही लोग जवाब देंगे। क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? ना, हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, फर्क नेता नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन की एकजुटता, धर्म संकट उनके लिए हो सकता है, पार्टी के लिए कोई संकट नहीं है। एनडीए के तमाम नेता जो दिग्गज नेता हैं इस बार दिख रहे हैं कि सब एकजुट हैं, सब मंच पर जुट रहे हैं, क्या एकजुटता का ये महामंत्र कहां से मिल रहा है? इन एकजुटता का महामंत्र जनता के द्वारा दिए गए समर्थन से है। जनता का जो समर्थन हासिल है, और लोग 2005 के पहले के दौर में नहीं जाना चाहते हैं। हमसे किसी को राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधन में यह कहा कि नीतीश राज का मतलब बताओ लोगों को। बुजुर्ग लोग थे उस समय, आज बुजुर्ग हो गए वैसे लोग, नई पीढ़ी के नौजवानों को बताओ कि क्या हालात था इस बिहार का। और देखिए, जमुई की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माननीय लालू प्रसाद जी, ये चुनाव उन्होंने नहीं लड़ सकते हैं, बाल बच्चा राजनीति करते हैं, उनके बारे में बोला कि एक रेल मंत्री वो बने थे जो जमीन लेते थे नौकरी के बदले में, एक यहां पर रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी हैं जो नौकरी दिए तो किसी का किसी से जमीन नहीं लिखवाए। ये फर्क अगर बताया गया, ये तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। पप्पू यादव कल नामांकन के दौरान रो रहे थे और बड़ा आरोप लगाया लालू प्रसाद यादव पर। देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, हम 2014 भी जीते हैं, 19 भी जीते हैं पूर्णिया, 24 भी जीते हैं। हम माननीय पप्पू यादव जी से रोना है रोइए, लेकिन यह हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि रात में आप मिले थे लालू जी से, तो लालू जी तो मुस्कुराते नहीं है उसके बिना, तो कुछ शर्त उर्त रख दिए थे जो आप पूरा नहीं कर पाए। क्या रख दिए थे बताइए? अब वही तो हम जानना उनसे चाहते हैं, कोई डील, क्या डील था भाई, आखिर ये अपमान क्यों हुआ,
अब पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, पप्पू यादव पर कार्रवाई कर रहे हैं, और पूर्णिया से अगर पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे भाई? ये स्वाभाविक है, पूर्णिया में उनकी दावेदारी बनती थी, लेकिन खैर उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हम यह जरूर पप्पू यादव जी से अनुरोध करेंगे, एक बार बोल दीजिए खोने के लिए क्या बचा हुआ है, कि लालू जी ने क्या मांग रखा था। तो देखिए, ये हमारे साथ थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो एनडीए का खेमा है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है, और बिहार की 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए के खेमे में आएगी। और वहीं पप्पू यादव को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा जो है मांग की है कि पप्पू यादव बोल क्यों नहीं देते जब दिल्ली में वो विलय करने जा रहे थे जाप का, उससे पहले लालू प्रसाद से क्या डील हुई।